जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हिंदी सुलभ भारती, जो कि 8 क्लास का है और यह हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। ठीक है, तो हिंदी सुलभ भारती का आपको 9वां दिया गया है दोहे, और इन दोहे का नाम है अनमोल वाणी। ठीक है, और यानी इस कविता के जो लेखक है वो है संत कबीर और भक्त सूरदास। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर अनमोल वाणी के जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, सबको सॉल्व करेंगे, सबको देखेंगे। हाँ, मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगी, तो आपको बस एक काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, और वो जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, वो क्लिक होना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला दिया गया क्वेश्चन आपको कि कृति पूर्ण करो। ऐसी वाणी बोलनी है जिससे, यानी कि आपको ऐसी वाणी, ऐसी बात करनी है आपको जिससे क्या, तो यहाँ पर आपको इन दो बॉक्सेस दिए गए, इन दोनों बॉक्सेस में उसका आंसर लिखना है। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको आंसर बताती हूँ। पहले बॉक्स में लिखेंगे दूसरों को सुख मिले, और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे स्वयं भी सुखी हो। ठीक है, और जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हो ना, तो आप साथ में पेन और जो आपकी नोटबुक है हिंदी की वो लेकर बैठा करो। ठीक है, और वीडियो को पॉज कर करके, या तो फिर स्क्रीनशॉट का मैं टाइम दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो फिर लिखा करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो, यानी कि ये जो अर्थ है इनके शब्द आए हुए हैं कविता में, कविता के दोहे में। ठीक है, तो आपको वो शब्द यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अक्सर आपको कभी कभी कविता में इसका उल्टा भी पूछा जाता है कि शब्द दिया जाता है और आपको अर्थ लिखना रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है कि अर्थ दिया हुआ है और आपको शब्द लिखने। ठीक है, तो चलिए मैं आपको शब्द बताती हूँ इन सारे चारों के। तो पहला दिया गया है ठंडा, ठंडा का लिखेंगे शीतल। दूसरा है कोई, कोई का लिखेंगे कोय। और तीसरा है बलराम, बलराम का लिखेंगे बल और हलधर। चौथा है मक्खन, मक्खन का लिखेंगे माखन। ठीक है, तो ये आपके आंसर है, लिख लीजिए। मैं स्क्रीन भी साफ़ कर दी और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, आकृति पूर्ण करो। दिया गया है श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें, यानी कि जो श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण, उनके द्वारा जो चोटी थी उनके जो संदर्भ में, यानी उनके बारे में कौन सी बातें की गई थी, आपको यहाँ पर लिखनी है दोनों। ठीक है, चलिए मैं आंसर बताती हूँ आप लोग को, लिख लीजिए। पहले बॉक्स में लिखेंगे चोटी कब बढ़ेगी, और दूसरे में लिखेंगे कितना समय हो गया दूध पीते हुए फिर भी यह चोटी छोटी ही है। ठीक है, तो ये आंसर है आपके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके भी और लिख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है, भोजन का प्रभाव टिप्पणी लिखो, यानी भोजन का प्रभाव होता है उसके ऊपर आपको टिप्पणी बोलनी है, लिखनी है। ठीक है, चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। भारतीय परंपराओं के अनुसार भोजन सिर्फ हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। इसी कारणवश भोजन को सात्विक, राजसिक व तामसिक भोजन ऐसी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कहा जाता है जैसे खाए अन्न वैसा बने मन, अर्थात हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं उसके अनुरूप हमारे तन व मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे मन में दया, क्षमा, प्रेम जैसे भाव अधिक होते हैं। राजसिक भोजन करने के आवेश, कामुकता, तनाव, आलस्य जैसे भाव व्यक्ति में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तामसिक भोजन करने वाले व्यक्तियों में क्रोध, हिंसा, उत्तेजना जैसे भाव बहुत अधिक होने की संभावना होती है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि भोजन का हमारे शरीर व मन दोनों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है भाषा बिंदु, यानी कि ग्रामर सेक्शन से, और क्वेश्चन है कि पाठ में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन करो, यानी कि जो आपका पाठ है उसके अंदर अलग अलग काल दिए गए हैं, उन काल को आपको ढूंढ कर लिखना है, और उसी काल को, मतलब जो काल आप लिखोगे ना, उसी को दूसरे काल में आपको चेंज करना है। ठीक है, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको दो दो स्लाइड दिखाऊंगी, मतलब दो
पहले दिखाऊंगी, फिर उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद दिखाऊंगी, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और दोनों को लिख लेना, ठीक है? और मैं भी आपको आंसर बताती हूँ इसका। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जैसे लिखा है ना वैसे ही लिखना, ठीक है? अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला दिया गया है अल्पविता बड़ा दयनीय जीव होता है, सामान्य वर्तमान काल, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है अपूर्ण वर्तमान काल, ढेरों दाने भंडार में रखे हैं पूर्ण वर्तमान काल, राजा रथ पर सवार हो गया सामान्य भूतकाल, राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी करता था अपूर्ण भूतकाल, तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे पूर्ण भूतकाल, राजा उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा सामान्य भविष्यकाल, सभी खुश हो रहे होंगे अपूर्ण भविष्यकाल, और खिड़कियां खुली रह गई होंगी पूर्ण भविष्यकाल, ठीक है? इसको सेम ऐसे लिख लेना जैसा मैं इस स्लाइड पे दिख रहा है सेम। और ठीक है, आपको एंडिंग में यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, लिखा है परिवर्तित काल के वाक्य, ठीक है? इसको भी इसी तरह जिस तरह आपको लिखा हुआ ना वैसे ही लिखना है, ठीक है? अब मैं अगला स्लाइड दिखाती हूँ, ठीक है? तो आप नीचे जो लिखा हुआ था परिवर्तित काल के वाक्य, अब ये उसका स्लाइड है, ठीक है? तो अल्पक पिता बड़ा दयनीय जीव होता था। देखो जो हमने वाक्य लिए थे उसको ही चेंज किया और उसके सामने लिखा कि ये कौन सा काल है, ठीक है? तो ये अपूर्ण भूतकाल है। दूसरा है मनुष्य किस ओर बढ़ चुका है पूर्ण वर्तमान काल, ढेरों दाने भंडार में रख चुके होंगे पूर्ण भविष्य काल, राजा रथ पर सवार हो रहा है अपूर्ण वर्तमान काल, राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी करता है सामान्य वर्तमान काल, तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए हैं सामान्य भूतकाल, राजा उसे ही अपना राजपाट सौंप रहा होगा अपूर्ण भविष्यकाल, सभी खुश हो चुके थे पूर्ण भूतकाल, खिड़कियां खुलेंगी सामान्य भविष्यकाल, ठीक है? तो ये आपके आंसर से। अब मैं स्क्रीन साफ कर देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब मैं आपको कंप्लीटली बताती हूँ, ये समझाई होंगी तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है, फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। पहले ये स्लाइड आपको लिखना है, ठीक है? और जहाँ पर भी आपको ये ख़त्म होगा परिवर्तित काल के वाक्य लिखकर, जस्ट उसके आगे ही आपको ये लिखना चालू कर देना, ठीक है? तो ये दोनों स्लाइड आपके भाषा बिंदु का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? उम्मीद है आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, होगा तो आप पीछे बैक कर करके सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है उपयोजित लेखन से। क्वेश्चन है कि आगे कुआं पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उसे संबंधित कोई प्रसंग लिखो, यानी कि कहावत है ना आगे कुआं पीछे खाई, तो ये कहावत इसका अर्थ लिखना है और उसके संबंध में उससे रिलेटेड आपको कोई प्रसंग लिखना है, ठीक है? प्रसंग आप लोग सुनते हो ना वही, ठीक है? तो चलो मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। आपको स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है ना फटाक से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना, ठीक है? चलो अब मैं आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। अर्थ लिखना है चारों ओर संकट से घिर जाना, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई का मतलब होता है चारों ओर संकट से घिर जाना, ठीक है? और प्रसंग ऐसे टॉपिक डालना है और लिखना है मेरे दोस्त अविनाश कुछ समय पहले तक मेरे पड़ोस में ही रहता था, उसका एक छोटा भाई है मनीष, अजय व मनीष दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है, अविनाश बड़ा है और वीरेश करीब 5 साल छोटा है, वीरेश की शादी हुए अभी 2 साल ही हुए थे, दोनों भाइयों में अथाह प्रेम था, दोनों की पत्नियां भी शुरू शुरू में बड़े प्रेम से रहती थी लेकिन समय के साथ ही दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी नापसंद करने लगी, दोनों ने बंटवारे का निर्णय लिया और अपने अपने पतियों के ऐसा करने पर मजबूर करने लगी, दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन किसी ने नहीं मानी, किसी ने एक ना मानी, दोनों भाइयों ने कोई ठोस निर्णय लेने के लिए एक साथ बैठकर सलाह मशविरा किया, अविनाश ने कहा कि यदि बंटवारा होता है तो दोनों भाइयों के बीच में दीवार पैदा हो जाएगी और यदि बंटवारा नहीं होता है तो घर की औरतें में कलह बढ़ेगा, दोनों के सामने आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति पैदा हो गई थी, अतः दोनों ने परिवार की सुख शांति के लिए अपने अपने दिलों पर पत्थर रखकर आलोचना करने का निर्णय लिया, कुछ समय पहले ही दोनों भाइयों में शांतिपूर्वक अलग योजना हुआ, पहले दोनों भाई अपने पुश्तैनी मकान में एक साथ रहते थे लेकिन अब दोनों ने उसी क्षेत्र में अपना अपना किराए का मकान ले लिया, उन्होंने अपना पुराना पुश्तैनी मकान भी बेच दिया, दोनों भाइयों की पत्नियां अब एक दूसरे से दूर हो गई लेकिन भाइयों का दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़कता है, अक्सर दोनों एक दूसरे से
मिलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता कर भी करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रसंग आपको जिस टॉपिक पे बोला था लिखने के लिए आपका, वो तो आना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि यहाँ पे लिखा है ना, आगे पीछे, आगे कुआं पीछे खाए। देखो ये आ गया ना इस प्रसंग में, यानी कि आपका प्रसंग एकदम राइट है। जो भी बोले प्रसंग लिखने को, और जो भी आपको दे ना मुहावरा, जो कहावत, वो आपको उसमें उपयोग होना चाहिए। अब इसमें ना, इस कहानी के अंदर एक मिस्टेक हो गई है, आपको उसको खाली चेंज कर लेना है। यहाँ पे वीरेश लिखा हुआ है और यहाँ पर वीरेश लिखना है, उसको कट करके उसकी जगह मनीष लिख लेना है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहानी के बीच में पढ़ते समय ये नहीं बोला, क्योंकि मैं चाहती नहीं आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते ना, इसलिए नहीं बोली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर खत्म होते हैं। सो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ठीक है, कोई ग्रामर का वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में कर देना, मैं बना दूंगी। ठीक है, सो ओके, तो आप मेरे लिए भी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जैसे शेयर कर दीजिए। बाय एंड टेक केयर।